बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा, जहां पर कैप्टेंसी के दावेदारों की लापरवाही की वजह से कैप्टेंसी टास्क रद्द हो गया। घर में बड़ा ही बवाल मच गया। लग्जरी बजट टास्क में घर वालों के बीच में जबरदस्त झगड़े देखने को मिले। घर के दो दोस्त दो भाई यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज के बीच में जबरदस्त फाइट और भी बहुत कुछ ऐसा रहा जो आज के एपिसोड को फुल ऑन एंटरटेनिंग बनाता है। तो चलिए जान लेते हैं इस मजेदार एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो हर रोज की तरह सुबह एक एनर्जेटिक गाना बजाया जाता है, घर वाले उस गाने पर झूमते गाते नाचते हुए नजर आते हैं। दिन की शुरुआत आगे होती है, दिनचर्या आगे बढ़ती है, सभी घर वाले सो जाते हैं, सभी घर वाले यहाँ तक कि घर के कैप्टेंसी के दावेदार भी सो जाते हैं। कुकड़ू को बजने लगता है, बिग बॉस बेहद नाराज नजर आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि कैप्टन की जो जिम्मेदारी होती है वो होता है कि रूल्स को फॉलो करना, दूसरे लोगों को रूल्स को फॉलो करवाना। जब आप खुद रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप में वो जिम्मेदारी ही नहीं है। इस वजह से कैप्टेंसी टास्क रद्द, और कैप्टेंसी टास्क के रद्द हो जाने के बाद विशाल बहुत ही ज्यादा अपसेट और गुस्से में नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बिग बॉस ये ठीक नहीं है और वो गुस्से में आकर बिग बॉस से कहते हैं कि मैं कोई रूल नहीं मान रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। माहौल और भी ज्यादा खराब हो जाता है। आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला तो पहले से ही एक दूसरे से नाराज नजर आते हैं और फिर बाद में एक दूसरे से दूर ही दिखते हैं। शहनाज बर्तन साफ करते करते बातें करने लगती है तो आसिम उन्हें बीच में टोकते हैं और कहते हैं कि अपना काम कर ले। शहनाज कहती है कि तू पहले अपने काम कर ले। शहनाज और आसिम के बीच में झगड़ा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की दोस्ती को लेकर सवाल उठाते हैं। शहनाज कहती है कि तू भी तो बड़ा दोस्त दोस्त कर रहा था, आज तू भी तो उससे दूर है, उसके खिलाफ खड़ा है। और वही आसिम भी कहते हैं कि ये तो तूने किया है बिना लोटे की पैंदा, तू बार बार में दोस्ती की तरह चेंज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से शहनाज गुस्से में आकर बेडरूम साफ करने लगती है। सिद्धार्थ उनसे रीजन पूछते हैं तो आसिम इस पर गुस्सा हो जाते हैं और सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तू क्यों कर रहा है। और यहाँ पर बातों ही बातों में इन दोनों के बीच में फिजिकल फाइट होना शुरू हो जाती है। आसिम कहते हैं कि अगर उसकी जबान चलती है तो मेरी भी जबान चलती है, उसे गुस्सा आता है तो मुझे भी आता है, उसका हाथ चलता है तो मेरा भी हाथ चलता है। इस तरीके से माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को देते हैं एक नया टास्क, लग्जरी बजट टास्क, और इस टास्क में घर की दो टीम्स बनाई जाती है। टीम ए जिसमें आसिम, सिद्धार्थ, अरहान और शिफाली होते हैं, उनका कलर होता है येलो। टीम बी विशाल, खेसारी, डेवोलिना, रश्मि और उनकी टीम का कलर होता है ब्लू। इनको गार्डन एरिया में बने घर का दरवाजे को कवर करना होता है अपने अपने कलर्स के साथ, और यहाँ पर भी माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है। रश्मि शहनाज को घर का विलन बताती हुई नजर आती है, क्योंकि शहनाज गेम में ना होते हुए भी रश्मि का दरवाजा तोड़ देती है और वो कहती है कि किसी ने तुझे विलन बनाया नहीं है, तू है इस घर की विलन, क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी है इस घर में। इसके अलावा रश्मि अरहान को ये भी कहती है कि अगर तूने कुछ किया तो तेरा घर मैं बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि गार्डन एरिया में लगे दरवाजों को टास्क के हिसाब से घर कहा जाता है। और अरहान अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए उनके घर को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं तो रश्मि उन्हें वॉर्न करती हुई दिखती है। इसके अलावा इस टास्क में भाव और देवोलीना भट्टाचार्य में बहुत भयंकर फाइट हो जाती है। देवोलीना भाव को गाली भी देती है, उन पर चिल्लाती हुई नजर आती है, क्योंकि टास्क में भाव की गलती की वजह से देवोलीना को चोट लग जाती है। उनसे सॉरी बोलते उन्हें गाले लगाते हैं, लेकिन भाव की वो एक नहीं सुनती है और उन पर चिल्लाती हुई दिखती है, उन्हें गालियाँ देती है और कहती हैं कि मैं आपको भाव मानती हूँ, आपको भाव वाली रिस्पेक्ट देती हूँ ना, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करो। इस तरीके से माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है और घर का आज का ये दिन घर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला लेकिन दर्शकों के लिए काफी एंटरटेनिंग रहा। तो दोस्तों ये है बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 47 की हाइलाइट्स।